चैनल इन दिस अनदर व्लॉग और आज की डेट है 26th January 2023। सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। ऑब्वियसली ये व्लॉग आएगा जब तक तो रिपब्लिक डे खत्म हो चुका, बट आज हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। इट्स डे 4 इन दुबई और बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है। कल शाम का भी जो हमारा प्लान था अलसीफ का, वो पूरा स्क्रूड अप हो गया बिकॉज ऑफ द रेन्स। दुबई वैसे एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, या मैं अगर ऐसा भी कहूँ कि नहीं के बराबर बारिश होती है तो भी चलेगा, लेकिन कहा जाता है कि साल में 8 दिन यहाँ जो बारिश होती है उसमें से हमारी किस्मत अच्छी है या खराब पता नहीं, 4 दिन हमारे सामने ही निकल गए। और आज वापस बहुत ज़्यादा क्लाउडी, आप यहाँ पे देख सकते हैं सड़कें पूरी गीली है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे पानी काफ़ी जमा हो जाता है। एंड कल हमारा जो प्लान था अलसीफ का, पूरी बैंड बज गई प्लान की, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है अलसीफ, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा तो गो एंड चेक इट आउट। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसी वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए कल वहाँ पे अलसीफ में। लेकिन अभी हम यहाँ पे आज का दिन शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा वैसे घूमने का प्लान ये है, सेकेंड हाफ में हमें जाना है, 2 जगह आज हम कवर करने वाले हैं, मिराकल गार्डन एंड ग्लोबल विलेज। लेकिन अगेन यू कैन सी इट्स वेरी रेनी और ये दोनों जगह ओपन प्लेसेस है, आई डोंट नो कैसे होगा। All is well. तो मैं और स्वाति यहाँ पे निकले हैं थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। आज का दिन बड़ा टेस्टिंग रहा, हम लोग यहाँ पे आए हैं मिराकल गार्डन में, बारिश के वजह से ग्लोबल विलेज यहाँ पे बंद है, मिराकल गार्डन हम लोग पहुँचे हैं, पूरा दिन एक तरीके से ख़राब हो गया। अब यहाँ से भी दो चीज़ें आप सोच सकते हो, या तो आप उदास हो जाओ सोच के कि यार बहुत गलत हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया, या फिर जो भी मिल रहा है उसमें चिल कर लो। बात तो सही है। मैं इस चीज़ में ये सोचता हूँ कि चलो ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, मम्मी पापा ने एंजॉय कर लिया, रिलैक्स कर लिया, इंडिया में रहते थे घर पे रहते थे इतना भी रिलैक्स और एंजॉय नहीं हो पाता था, सो थिंग पॉजिटिव। सो मिराकल गार्डन इज अ फ्लोरल गार्डन कंस्ट्रक्टेड ओवर हियर इन दुबई, जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े एरिया के अंदर फ्लावर्स को यूज़ करके बहुत अलग अलग चीज़ें बनाई है, बहुत ब्यूटिफुल चीज़ें बनाई हैं, तो या देखते हैं। क्या बात है सर, ये बात है। सो कहते हैं ना, ऑल्स वेल एंड्स वेल, फाइनली यस, ग्लोबल विलेज तो नहीं जा सके, बट वी वेंट टू मिराकल गार्डन, अच्छा रहा विजिट हमारा, मजा आया, मम्मी पापा ने एंजॉय किया, वी क्लिक लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स, बहुत एंजॉय किया यार,
कुल मिला के बात यह है कि ऐसी सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आती है जब यू नो कभी कुछ बहुत बुरा होता है। आई अंडरस्टैंड, और मेरे साथ भी होता है कि हम बहुत अफेक्ट होते हैं वो सिचुएशंस में, लेकिन हमें उस समय ये समझना है और ये देखना है कि जो नहीं हुआ है उसका गम बनाने से बेहतर है जो हुआ है, क्यों ना उसको सेलिब्रेट किया जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर बुराई के लिए आंसू निकालोगे तो अच्छाई बुरा मान जाएगी। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, होप यू आर एंजॉयिंग ऑल दी व्लॉग्स ऑफ दुबई, एंड इसी तरीके से कनेक्टेड रहिएगा। इट्स जस्ट डे 4 ओवर एंड 3-4 मोर डेज टू गो इन दुबई, एंड एंजॉय दीज व्लॉग्स। थैंक यू सो मच, स्टे सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा वीडियो को।